क्या है, कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली जो यूज़ हो रहा होता है डाटा उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और ये टेम्परेरीली स्टोरेज डिवाइस है और ये वोलाटाइल मेमोरी है। इसकी स्पीड तकरीबन काफ़ी ज़्यादा होती है सीपीयू से तो कम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सीपीयू से मेंटेनेंस इसकी हो जाती है, जिसकी वजह से सीपीयू की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसकी क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कैश मेमोरी किस जगह पर प्लेस करती है वो देख लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कैश मेमोरी सीपीयू के बाज़ूकात अंदर भी होती है। कैश मेमोरी के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, बाज़ूकात सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड्स के साथ भी होती है और प्राइमरी मेमोरी से आगे, और ये सेकेंडरी मेमोरी, सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी आती है, फिर प्राइमरी मेमोरी आती है, फिर कैश मेमोरी और फिर सीपीयू। अच्छा, बाज़ूकात हम ये कंसेप्ट देखते हैं, देखें जो चीज़ ज़्यादा नज़दीक होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। इस कंसेप्ट भी समझा जा सकता है, कैश मेमोरी क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर है तो इसके अंदर से डाटा को एक्सेस करना सिंपल होता है। अच्छा, अब बताते हैं इसकी वर्किंग की बात। जब डाटा एक्सेस करना होता है तो सीपीयू सबसे पहले डाटा एक्सेस करता कैसे है, सीपीयू सबसे पहले जाता है कैश मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी के अंदर अगर उसका जो डाटा उसने यूज़ करना है पड़ा हुआ है तो उसे वो ले लेगा और प्रोसेसिंग कर देगा। अगर डाटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ तो क्या करेगा, कैश मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ तो सबसे पहले देखें सीपीयू जाएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर से डाटा लेगा, उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर रख देगा। कैश मेमोरी के रख देगा, क्यों रखेगा अंदर, ताकि दोबारा अगर उसके यूज़ करना पड़े डाटा को तो उसे उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद हम अगर देखते हैं तो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी आता है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रोसेसर टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन रिपीटिवली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो मुख्तसर वक़्त के लिए, जो एक मेमोरी के अंदर से जो डाटा को बार बार एक्सेस करने हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल जो उनसे लूप आ जाता है, हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, अरेज आ जाता है। अब देखिए ये करेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की वजह से ही हमारे पास जो कंसेप्ट आता है कैशे का कंसेप्ट आता है, मेमोरी स्टोरेज का कंसेप्ट आता है, कैशे मेमोरी स्टोरेज का। अब देखें ये जो हमारे पास आ जाता है, अब प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी की अगर हम देखें, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को देखें, बाज़ूकात हमें डाटा को बार बार यूज़ करना पड़ता है तो बार बार उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने के लिए हमें बार बार मेमोरी के अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें उस किसी जगह पे साइन कर देना चाहिए, यानी कि वो उसको सारे का सारा डाटा रख के किसी एक जगह पे रख देना चाहिए, यानी कि कैशे के अंदर, ताकि उसको बार बार वो एक्सेसिंग करनी पड़े तो वो बार बार मेन मेमोरी के अंदर ना जाए, तो उसे कैशे से ही मिल जाए। आगे आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी या कैशे के ऑपरेशन आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी के लिहाज से कैशे के दो ऑपरेशन हैं, यानी कि प्रिंसिपल लोकेलिटी के दो टाइप्स हैं, टेम्परेरीली लोकेलिटी, टेम्पोरल लोकेलिटी आ जाता है, और हमारे पास टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर क्या कहता है, ये हमारे पास टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर हमारे पास ये क्या करता है, डाटा को टेम्पोरल लोकेलिटी मीन्स करंट डाटा इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग फेच्ड बाय द नीडेड सून। सो टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर क्या कहता है, टेम्पोरल लोकेलिटी मीन्स करंट डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून, सो वी वांट शुड स्टोर दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इन द कैश मेमोरी सो दैट वी कैन अवॉइड अगेन सर्चिंग इन मेन मेमोरी फॉर द सेम डाटा। देखें वो क्या करता है, इसके अंदर क्या कहता है, टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर क्या कहता है कि अगर देखें इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल लूप है कि अगर हमें किसी डाटा की बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसी ही डाटा को सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उठा के रख देते हैं कैशे मेमोरी के अंदर। जैसे लूप के अंदर एक लूप को 50 बार चलना है तो बार बार वो लूप जाएगा तो नहीं उसके पास मेन मेमोरी के अंदर, वो कैशे के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस रख देंगे, उसके ज़रिए से क्या होगा, वो डाटा कैशे के ज़रिए से उठाएगा और बार बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, व्हेन सीपीयू एक्सेस द करंट
main memory location for the reading required data or instruction, it is also gets stored in the cache memory, which is based on the fact that the same data or instruction may be needed in the near future. This is called temporal locality. If same data is referenced, then there is high probability that it will be referenced again in the near future. कहता है कि अगर इसे दोबारा डाटा की ज़रूरत पड़ी है, मे भी हो सकता है उसे वो फ्यूचर के अंदर भी बार बार उस डाटा की ज़रूरत पड़े. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टेम्पररल लोकेलिटी. उसके बाद आता है स्पेशियल लोकेलिटी. स्पेशियल लोकेलिटी के अंदर क्या आता है, आप देखें बाज़ुकात होता है कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन सीपीयू फेच करता है तो उसे सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं. सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, यानी कि वो तरतीब से डाटा को एग्जीक्यूट करता है. इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एरे. एरे क्या करती है, देखें सबसे पहले पहला इंडेक्स एग्जैक्ट होगा, फेच होगा, दूसरे उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर किसी तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ आ जाता है. ये क्या करता है, स्पेशल लोकेलिटी क्या करती है कि ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कैशे के अंदर उसके नियरली एड्रेस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देती है, यानी उसके जो पास हैं जो इंस्ट्रक्शन हैं नियरली उसे स्टोर कर देती है, ताकि सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन को फेच करे तो वो उसे आसानी के साथ मिल जाए और वो इसे सीपीयू इसे फेच कर सके. स्पेशल लोकेलिटी मीन इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा नियर टू द करंट लोकेशन मेमोरी लोकेशन डेट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून इन द नियर फ्यूचर. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टेम्पोरल लोकेलिटी. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नियरली लोकेटेड मेमोरी लोकेशन, वाइल इन टेम्पोरल locality we are talking about the actual memory location that was being fetched. समझ आ गई इस बात की कि जो temporal locality है उसके अंदर से वो हम क्या fetch कर रहे होते हैं, जो exact data, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है, बार बार ज़रूरत पड़नी है. लेकिन special locality के अंदर क्या कर रहे हैं हम, उसके जो उसके पास पर डाटा है उसके, यानी कि उसके नेक्स्ट आने वाली instructions हैं सीक्वेंस के साथ, वो भी हम fetch कर लेते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है परफॉर्मेंस आ जाती है. तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है. कैशे हिट आ जाती है सबसे पहले. कैशे हिट क्या करते हैं, जब उसे कैशे के अंदर से कोई डाटा मिल जाएगा तो उसे हम कहते हैं कैशे हिट. इफ़ द रिक्वायर्ड वर्ड फाउंड इन अ कैशे कॉल्ड कैशे हिट. अच्छा जो एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अच्छा जब मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी के अंदर डाटा आ रहा होता है तो उसे हम पेजिंग के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं, और सेकेंड कैशे मेमोरी से सीपीयू की तरफ आ रहा होता है तो उसे हम मैपिंग के ज़रिए करते हैं, वर्ड्स के ज़रिए करते हैं, वर्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है. यानी जब उसने कैशे के अंदर, ये कैशे एक्सेस टाइम क्या है कि कितना टाइम लगता है उसे कैशे के अंदर से डाटा एक्सेस करने के लिए. पेनल्टी क्या है, कैशे पेनल्टी, मिस पेनल्टी, यही सेम टर्म्स है. कैशे देखें, जब कैशे के अंदर से डाटा फैच कर रहा होता है तो कैशे के अंदर से डाटा फैच करते हुए जब उसे बाज़ुकात कैशे के अंदर से डाटा नहीं मिलता तो मेन मेमोरी के अंदर से, यानी कि उसे लेना पड़ता है, तो फिर उसके अंदर से जो उसका डाटा टाइम लगता है उसे हम उसे नाम लेते हैं, उस टर्म को कहते हैं पेनल्टी, यानी उसे पेनल्टी पड़ गई है. और इसे हम कहते हैं कैशे एक्सेस टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम. देखें सबसे पहले वो कैशे में जाता है, उसके बाद मेन मेमोरी में जाता है, दोनों प्लस कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैशे एक्सेस टाइम या कैशे पेनल्टी. अच्छा एवरेज एक्सेस टाइम क्या है हमारे पास, एवरेज एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम हमारे पास होता है हिट रेशियो मल्टीप्लाई कैशे एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशियो प्लस मल्टीप्लाई सॉरी मिस पेनल्टी. मिस पेनल्टी हम जब वैसे पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास मजमूआ है किसका, कैशे एक्सेस टाइम का और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम का. तो ये हमारे पास इस तरीके से हम कैशे की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं. उसके बाद कैशे की वर्किंग देखी हमने, और ये इसके साथ साथ हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कैशे के प्रेशन देखे प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी के जरिए. प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी देखा क्या है, कैशे की वर्किंग देखी, तो कैशे देखा. और ये मेरा टॉपिक मुकम्मल हुआ. एनी क्वेश्चंस?